Assalamualaikum. Welcome to the next episode of our series on National Savings Profit Rates. इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 के प्रॉफिट रेट्स की और इसके साथ साथ आने वाले माह के प्रॉफिट रेट्स की प्रिडिक्शन भी करेंगे. कम जून 2022 से तमाम स्कीम्स के प्रॉफिट रेट्स कुछ यूं होंगे. बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट रेट 14.16%, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट रेट 14.16%, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट हर 6 माह बाद 6.20%, जबकि 12.40% सालाना होगा. स्पेशल सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट हर 6 माह बाद 6.20%, जबकि 1 साल बाद 12.40% होगा. रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट रेट 12% महाना है. अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स की, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स 3 किस्म के होते हैं, 3 माह, 6 माह और 12 माह. ये सर्टिफिकेट्स अपनी मुद्दत पे एक्सपायर हो जाते हैं और आपको इनको दोबारा से री इन्वेस्ट करना पड़ता है. अगर आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 माह में वाली स्कीम में इस पर 335 रुपए, 6 माह वाली स्कीम पर 695 रुपए और 12 माह वाली स्कीम पर 1,375 रुपए का मुनाफा दिया जाता है. अगर आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3 माह वाली स्कीम में 3,350 रुपए, 6 माह वाली स्कीम में 6,950 रुपए, 12 माह वाली स्कीम में 13,750 रुपए का मुनाफा दिया जाता है. अगर आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 माह वाली स्कीम में 3,35,000, 6 माह वाली स्कीम में 6,95,000, जबकि 12 माह वाली स्कीम में 13,75,000 रुपए का मुनाफा दिया जाता है. बात की जाए रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स की तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, पीओसी और नाइकॉप होल्डर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसकी इन्वेस्टमेंट की मिनिमम लिमिट 50,000, जबकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर महाना मुनाफा दिया जाता है. अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स में 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 500 रुपए महाना मुनाफा दिया जाता है. अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1,000 रुपए महाना और अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको 1 लाख रुपए का महाना मुनाफा दिया जाता है. अगर बात की जाए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की, ये एक 10 साल स्कीम है. इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल और विडोज इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसकी इन्वेस्टमेंट की मिनिमम लिमिट 5,000 के मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है. अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में 5,000 की इन्वेस्टमेंट की जाए उस पर महाना 59 रुपीज का प्रॉफिट दिया जाता है. अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 1,180 रुपए महाना और अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 59,500 रुपीज का महाना मुनाफा दिया जाता है. अगर बात की जाए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की तो ये भी 10 साल स्कीम है. इसकी मैच्योरिटी पर आपको इसको री इन्वेस्ट करना होता है. सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी रकम 10 सालों में 3 से 4% तक इंक्रीज हो जाती है. डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर टैक्स लागू होता है जो कि फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% है. अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में 5,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल में आपकी रकम 5,400, दूसरे साल में 5,850, तीसरे साल में 6,350, चौथे साल में 6,950, पांचवें साल में 7,750, छठे साल में 8,750, सातवें साल में 10,000, आठवें साल में 11,500, नौवें साल में 13,500,
मेच्योरिटी पर, यानी कि 10वें साल में आपको 16,100 रुपए मिलते हैं। इसी तरह अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल में आपकी रकम 1,08,000, दूसरे साल में 1,17,000, तीसरे साल में 1,27,000, चौथे साल में 1,39,000, पांचवें साल में 1,55,000, छठे साल में 1,75,000, सातवें साल में 2 लाख, आठवें साल में 2,23,000, नौवें साल में 2,70,000, जबकि 10वें साल में यानी कि मेच्योरिटी पर आपको 3,22,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर बात की जाए स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की, तो ये 3 साल स्कीम है जिसका प्रॉफिट बाय एनुअल बेसिस पर दिया जाता है। अगर आप इसमें से प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते तो आपके प्रॉफिट अमाउंट को अक्यूमुलेट करके उस अमाउंट पर भी प्रॉफिट दिया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 माह बाद इस पर 6,200 रुपए का मुनाफा दिया जाएगा। अगर आप उस 1 लाख को 6 माह बाद विड्रॉ नहीं करते तो आपको 1 साल बाद 12,748 रुपए का मुनाफा दिया जाएगा। आसान लफ्जों में आपके प्रॉफिट की अमाउंट को आपके कैपिटल का हिसाब बना दिया जाता है और 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस 6 माह का प्रॉफिट पर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। नेशनल सेविंग्स के आपके बजट का खसारा पूरा किया जाता है। तो नेशनल सेविंग्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज के गैप को फिल करता है। इस साल भी आपके पहले 9 माह में 447 बिलियन का खसारा हो चुका है। तो गवर्नमेंट का आपको पता है कि बजट का डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए नेशनल सेविंग्स के थ्रू गवर्नमेंट एडिशनल फंड्स अरेंज कर रही है ताकि अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके। इसलिए पिछले 3 माह में नेशनल सेविंग्स के रेट्स में आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और बैंक के रेट्स भी इसी तरह इंक्रीज होते रहते हैं। इसलिए स्टेट बैंक ने भी नेशनल सेविंग्स के रेट इंक्रीज होने के बाद 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है ताकि बाकी बैंक्स के रेट्स भी कंपैरेटिवली रहें। और हमारी प्रिडिक्शन ये है कि जून के मिड तक रेट 2% तक मजीद इंक्रीज होंगे क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और फॉरेन डेट पेमेंट करनी है, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी कम करना है, प्लस गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है और सेल टैक्स तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रही जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का बहुत बड़ा सोर्स है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर नेशनल सेविंग्स की तमाम स्कीम्स की डिटेल्ड वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप उन स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी लाजमी देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।